दुनिया भर में इस्लामी तालीम के लिए प्रसिद्ध सहारनपुर जनपद के दारुल उलूम ने अपने छात्रों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक दीनी तालीम के समय छात्र अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। यदि इस आदेश की अवहेलना की गई तो दारुल उलूम संस्थान से उक्त छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि उलेमाओं का कहना है कि दीनी तालीम पूरी करके संस्थान ही छात्रों को अन्य सभी कोर्स कराता है, लेकिन दारुल उलूम द्वारा जारी शिक्षा संबंधी यह फरमान इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमा अंग्रेजी तालीम के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम में अंग्रेजी और कंप्यूटर की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। छात्र अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। मौलाना के मुताबिक दीनी तालीम हासिल कर यहाँ का छात्र इंजीनियर, मेडिकल, कानून आदि की शिक्षा ले सकता है। उसके लिए उन्हें हमेशा पूरी इजाज़त है। नहीं, 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 नहीं। हम तो खुद दारुलूम में हमारे यहाँ अंग्रेजी का शोभा है। जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोभा है, जाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेजी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और ईशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें, दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था, वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा, जो मगरिब के बाद और ईशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। इस तरह से मीडिया दिखा रही है उसको, मतलब कहने का प्रतिबंध लगा दिया है, नया फरमान जारी किया है। नहीं नहीं नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है। दारुल उलूम का एक कानून है कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा।